हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड एक बार फिर आया हूँ एक नई रिव्यू के साथ। अगर हम बात करें आने वाली फिल्म जो आज रिलीज हुई है, उस पे सबसे अच्छी मूवी जो आप देखना चाहोगे वो है ऐश्वर्या राय और रणदीप हुड्डा की मूवी, जो एक थ्रिलर मूवी है लेकिन बनी किस पे है, सच्ची घटना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरबजीत की। सरबजीत एक ऐसी मूवी है जो एक इंसान पे बेस्ड है, वो इंसान जिसने 23 साल तक अपनी लड़ाई एक जेल में बिताई, पाकिस्तान की जेल में बिताई है, कि किस तरह से हिंदुस्तानियों को टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से आप सरहद एक सरहद से दूसरे सरहद जाके किस तरह से आप सरवाइव करते हो। सरबजीत की फैमिली ने पूरी मेहनत के साथ इधर से उधर किया, लेकिन उन्हें मिला क्या, सिर्फ उसकी बॉडी। अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी को डायरेक्ट किया है बहुत ही माने जाने डायरेक्टर, जिन्होंने इससे पहले एक बायोपिक डायरेक्ट कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ओमंग कुमार, जिन्होंने इससे पहले मैरी कॉम को डायरेक्ट किया था, और इस बार अब वो एक और बायोपिक के साथ आए हैं जो है सरबजीत की। अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय का किरदार इस पूरी मूवी में बहुत अच्छा रहा है, बहुत सराहनीय रहा है। और इसके साथ साथ सरबजीत की वाइफ का रोल प्ले किया है भारत की मानी जानी एक्टर ऋचा चड्ढा ने। जी हाँ, ऋचा चड्ढा इससे पहले कई मूवियों में अपना अभिनय दे चुकी हैं, अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत चुकी हैं। अगर हम बात करें कहानी की, ये कहानी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पंजाब में रहने वाले सरबजीत की। सरबजीत का रोल जो प्ले कर रहे हैं वो रणदीप हुड्डा कर रहे हैं, जिसे कबूतर रेसलिंग और राजेश खन्ना से बहुत प्रेम था। सरबजीत अपनी पत्नी सुखप्रीत कौर जो थी ऋचा चड्ढा है, उनसे बहुत प्यार करता है। सरबजीत की एक बहन दलबीर कौर का प्ले जो किया है वो ऐश्वर्या राय ने किया है। दलबीर कौर वही एक महिला है जिसने अपनी जान अपने भाई के लिए कुर्बान कर दी। एक बहन किस तरह से अपने भाई के लिए लड़ती है, इस मूवी के जरिए आप एक भाई और बहन का रिश्ता किस तरह से मजबूत रहता है वो भी आप देखेंगे, कि इस मूवी में किस तरह से एक सच्ची घटना एक बहन को किस तरह से लड़ाई करने के लिए मजबूर कर देती, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए। एक दिन अचानक से सरबजीत गायब हो जाता है, जिसकी शिकायत दलबीर पंचायत पे करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। फिर कहानी पाकिस्तान की जेल में कैद सरबजीत को दर्शाती है, जिसे पाकिस्तान सेना ने LOC पार करते गिरफ्तार कर लिया गया था। सरबजीत की रिहाई के लिए दलबीर पाकिस्तान जाती है, लेकिन बात नहीं बन पाती। अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए वो भारत के बड़े बड़े लोगों से मिलती है, बड़े नेताओं से मिलती है, लेकिन वो खाली हाथ, निराशा ही सिर्फ उसे हाथ लगती है। अगर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, ओमन कुमार की, फिल्म का डायरेक्शन और आर्ट काफी अच्छा है। हर छोटी छोटी बात का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। जेल का सीक्वेंस किस तरह से होना चाहिए, जेल किस तरह से होनी चाहिए, पहली बात दलबीर और सरबजीत की जेल में मुलाकात, ये एक ऐसा सीन है जो आपको इमोशनल कर देगा। फिल्म की कहानी तो ज्यादातर लोगों को पता ही है। शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने रियलिटी के करीब को पहचानने की कोशिश की, कहीं कहीं फिल्म में ड्रामा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, जिसे कंसंट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल है। स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो फिल्म में सबसे अच्छा काम एज यूजुअल रणदीप हुड्डा ने किया है, और उनके साथ साथ उनकी बहन ऐश्वर्या राय। ये एक पहली मूवी है जब ऐश्वर्या राय बच्चन और रणदीप हुड्डा किसी मूवी में काम कर रहे हैं। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, आपको हर तरह के सॉन्ग इस फिल्म में सुनने को मिलेगा जो कहानी के साथ मैच करता है। आगे और क्या क्या चीजें हैं जो एक इंसान को देखना चाहिए, वो आप जब हॉल में जाएंगे देखेंगे तभी आपको सारी चीजों का पता चलेगा। रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय बच्चन की एक्टिंग के लिए ये मूवी आप जरूर देखेंगे। थैंक यू, आपका दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अस एंड शेयर दिस वीडियो ऑन सोशल मीडिया। सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है 1 Night Stand मूवी की डिटेल। मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है ऑटिस्ट एंड लियोन।